सुनवाई में सभी एडवोकेट उपस्थित, डॉक्टर एलपी मिश्रा, डॉक्टर राकेश चौधरी, प्रदीप वर्मा और संदीप गुप्ता, संदीप दीक्षित जी और प्रफुल, श्रेया मैम, राकेश चौधरी, हमारी तरफ से जितने एडवोकेट थे सभी लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम सुनवाई शुरू हुई, संदीप दीक्षित जी शुरू किए, इसके बाद डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब और राकेश चौधरी साहब, इसके बाद सरकार का बहस हुआ। निम्नता पूरी तरीके से कोर्ट 6800 के पक्ष में दिखी और ये आदेश किया कि सरकार और पक्ष विपक्ष के जो भी एडवोकेट्स हैं वो लोग अपनी लिस्ट कैटेगरी कर लें, 6800 को सब्जेक्ट टू पिटीशन ऐड करते हुए, मतलब 6800 को अपॉइंट कर दें और जो याचिकाएं हैं उन पर निरंतर सुनवाई होती रही। ये डॉक्टर साहब के आर्गूमेंट से, राकेश चौधरी साहब के आर्गूमेंट से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं भैया, डबल रिजर्वेशन मामला इसमें है ही नहीं और इनका कोई लोकस नहीं बनता। ये 6800 लोग अपॉइंटीज हैं, ये लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। सीधी साफ बात थी, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग आरोप लगाइए, प्रत्यारोप लगाइए और देखिए कि किस तरीके से कितने नंबर का कल जूता था ये भी पूछ लीजिएगा। अमरिंदर की कहाँ हवेली बनी है, न्योता क्या मिला है, सब पूछ लीजिएगा। उन पर हमको जाना नहीं है, हमारा पूरा फोकस यह है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से प्रेशराइज करके जिस स्टैंड के साथ आज भसीन साहब खड़े थे उसी स्टैंड पे खड़े रहने की कोशिश कराना है। पूरी तरीके से हम लोग उसी पे काम करना है, बाकी नौटंकी आप जो करते रहिए। हाँ, आप आज पूछिएगा कि डॉक्टर एलपी मिश्रा फुलपेट थे, आए थे, राकेश चौधरी आए थे, नहीं आए थे, ये आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा, ये आपका विवेकाधिकार है। और उनका, अरे जब पकाते हो तो काहे फटती है, धैर्य की परीक्षा कोई मत ले, इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले। 6800 लोगों से मैं यही कराऊंगा, शांति बनाए रखें, एकजुटता, एकता में अपना विश्वास रखें। अगर जिस दिन इसका खंडन करने हम लोग आ जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, अपने हैसियत से बिलो जाकर हम लोग काम कर रहे हैं, उकसाओ मत। और नेक्स्ट डेट बुधवार को 19 को लगी है ना, 19 को लगी है, 19 को कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग सुनवाई की जाएगी, सब अपने अपने पक्ष। तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आप अपना रिटर्न सबमिशन भी लेकर आइए उस दिन। सबसे बड़ी बात यह है कि मामला निपटने को है, अगली डेट बहुत निस्तारा है, चूंकि उन्होंने बोल दिया कि ये भाषण हम सुन नहीं पाएंगे, आप अपना अपना मामला लिखवा के आइए। तो जो वकील है अपने अपने वकील को अपना दमदारी से पक्ष लिखवा के ले आए। सरकार का काउंटर नहीं दिया गया, सरकार का काउंटर सोमवार को दिया जाएगा, बुधवार तक मोहिनी के रिजवाइंडर ज्वाइन वो होंगे। बाकी विजय भाई, रंजीत भाई रखेंगे अपनी बात, सभी लोग हम लोग को। साथियों नमस्कार, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि शायद आज जो सरकार ने बहस की उसमें कहीं ना कहीं ये पिछले हम लोगों की 8 से 10 दिनों की जो एक कहीं फोटो सेशन कहीं कुछ ना कराने का ही नतीजा था। और सबसे बड़ी बात है, यदि मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने कुछ लोगों से कल बताया भी था अपने साथियों से कि सरकार यही आकर के बहस की, डिक्टो वही बहस हुई। डिक्टो बहस जो हुई, सरकार ने क्या बहस करी, किस तरीके से बहस कराई, हम लोग उसके लिए प्रयास बहस का रुख मोड़ दिए एलपी मिश्रा साहब, पूरी बहस एलपी मिश्रा, संजय भसीन सर के इर्द गिर्द घूमी। ऑर्डर आएगा, आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद मैं बता दूं, प्रयास 8-10 दिन हम लोगों का था, सरकार उसी रास्ते पे चली जिस रास्ते पे हम चला रहे थे, हम जैसा सोच रहे थे। विभाग को हमने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, विभाग ने हमको कॉपरेट किया, क्योंकि मीटिंग में यही हुआ था कि दोनों लोग कॉपरेट करके काम किया जाए। हम लोग लगातार संपर्क में जुड़े हों, चाहे वो सरकारी वकील हों, चाहे विभाग हो और चाहे मंत्री जी हों, सबसे लगातार मिले हुए हैं। बाकी मैं समझ रहा हूँ कि जो एक दिन लखनऊ आए और उन्होंने सरकार को बिल्कुल मोड़ के रख दिया, सरकार की बहस तोड़ के रख दी, वो आप लोग डिसाइड करिए। अच्छी बहस इसलिए कि प्रदीप बघेल जाके सरकार के कंधे पे बंदूक रखे तो थे, एक नहीं आए बेचारे। आप लोग डिसाइड करें कि एक दिन में क्या सरकार इतना प्रिपेयर हो सकती है किसी कहने पे, जो रात में 8 बजे आते हैं, जाकर के रात में एक फोटो डाल देते हैं, बताते हैं हमारी फलाने में ऑन डेस्क आएगा रिजेंडर, आ गया सारी चीजें हो गई। नहीं आ करिए, ठीक है, सारी चीजें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी हाँ, आरोप प्रत्यारोप गाली इन सब का दौर कस के जारी रखिए, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द जितना आपने पैसा दिया है उसके साथ,
एक एक स्टेटमेंट के साथ सारी चीज़ों के साथ 19 को धैर्य रख लीजिए, उसके बाद एक एक को जवाब मिलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। आओ जी, अरे जुड़े हैं, उम्मीद है कि जैसा कल मैंने रात में अपने बूथ को स्पष्ट कर दिया था, और मेरे लिए अच्छा मौका है कि लाइव भी जुड़ गए। मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कोर्ट के मामले में डॉक्टर एलपी मिश्रा और राकेश चौधरी दो लोगों की, हम दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। चाहे अपना जो लखनऊ में लोग कहते हैं कि घर बन रहा है, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि कहाँ बन रहा है, चाहे वो घर बेच के, चाहे अपना घर परिवार बेच के, चाहे जैसे करके हमें उनको वहाँ पे उपस्थित करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर एलपी मिश्रा क्या चीज़ है और कैसे उनकी बहस होती है और कैसे कोर्ट उनको सुनती है, और उसके बाद तथाकथित जो बहुत बड़े बड़े वकील हैं कैसे आज वो हाथ जोड़ के वहाँ खड़े होकर उनकी बहस सुन रहे थे, और कोर्ट किसके आर्गूमेंट से सहमत भी दिखी, किसके आर्गूमेंट में आज चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और किसके आर्गूमेंट में बीच का कोई रास्ता भी निकल सकता है, उन सभी चीज़ों पर मुझे नहीं लगता कि कोई सफाई देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक गुजारिश मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, चूँकि लाइव मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं लाइव जुड़ूँ, लेकिन लोगों ने कहा तो मैं आपके सामने हूँ। मेरा ये मानना है ये जो हफ्ते भर का समय है ये सोने का समय नहीं है। अगर सरकार पर दबाव बना लेंगे तो सरकार कोई प्रपोजल लेके अभी डेट पे आ जाएगी, अदरवाइज एक बार अगर जज साहब ने सबको, जैसे आज उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम सबको सुनेंगे, बिना किसी को सुने आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब ने इस बात को वहाँ पर प्रेशर देके इस बात को कहा कि आप लगातार सुनेंगे, मामला कब तक चलेगा, इसमें 6,800 लोगों का क्या दोष है, सरकार ने गलती मान ली है, उन्होंने अपना सबमिशन दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, ये सरकारी एडवोकेट खड़े हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं, तो आप इनको प्रोसीड कर दीजिए, उसके बाद मुकदमा चलने दीजिए। जिस पर सरकार के वकील संजय भसीन साहब का ये कहना था कि सर हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो हम जो है अभी काउंटर हमारा प्रिपेयर दुर्भाग्य से नहीं हो पाया है, उसको हम दे देंगे, मंडे को उनको काउंटर दे देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, तो जनरल की तरफ जो वकील, उन्होंने कहा अगर हमको मंडे को दे देंगे ये, तो हम दो दिन बाद रिजॉइंडर अपना सबमिट कर देंगे। तो ये सब प्लेटिंग्स वहाँ कंप्लीट करने की बात हुई। साथ ही साथ डॉक्टर साहब के रिक्वेस्ट करने के बाद जस्टिस जो है रिटर्न सबमिशन ने ये कहा, रिटर्न सबमिशन उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं सबको रोकते हुए कहा कि गवर्नमेंट के वकील हैं, एक बार आप बता दीजिए, बिना आपके मामला नहीं सुन लिया, आप क्या चाहते हैं कि हम इसको पूरा सुने या कोई रास्ता आप निकालेंगे। राकेश चौधरी साहब ने वहाँ पर इस बात को मेंशन कराया कि सर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पे जो रास्ता है उस रास्ते पर भी विचार किया जाए, तो जज साहब ने उनकी बात मानते हुए सरकारी वकील को ये भी कहा कि आप ये जो सुपर न्यूमेरिक की बात है इस पर भी अपना व्यू लेकर आइए। साथ ही साथ आप, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि आप जो ट्रेन है उसी में सबको घुसा देना चाहते हैं, मीन्स 69,000 वाली ट्रेन, या अलग से एक बोगी लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पर विपक्षी वकीलों ने ये कहते हुए ऑब्जेक्शन किया कि सर ये कैन नॉट प्रोसीड 69,000 बियॉन्ड 60,000। उन्होंने भारतीय पटेल क्वार्टर का जिक्र किया, जिसको हमारे वकीलों ने वहाँ मजबूती से इस बात को कहा कि भारतीय पटेल कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, वो इंटरिम ऑर्डर है, तो उस पर जो है उसको मॉडिफाई भी अभी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये सब बातें कोर्ट में हुई हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है आप लोगों से कि जितना आरोप प्रत्यारोप करना था आप लोग कर चुके, उससे क्या हासिल हुआ उसका भी मूल्यांकन आप लोग कर लीजिएगा, अभी जो बचा है वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो अभी इस दिशा में आगे नहीं आएंगे। सबका, मुझे नहीं सबका नहीं पता, लेकिन मेरा भी बिल्कुल साफ है, किसी भी आंदोलन, किसी धरना प्रदर्शन, किसी चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कभी आगे खड़ा हूँ, भीड़ का हिस्सा बनना है बिल्कुल, जैसे भीड़ पीछे खड़ी थी वैसे खड़ा हो जाऊंगा। मेरा ये मानना है सबका, इस एक हफ्ते में इतना प्रेशर सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर हर जगह सरकार के, उनका विरोध नहीं करना है लेकिन उनको दिखना चाहिए कि नहीं ये एक यूनिटी है, एक संगठन है, अगर इसका विरोध हम जो है, अगर ये विरोध करने पर उतर आए फिर हम झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज अगर सरकार किसी अच्छे प्रपोजल के साथ आई होती, और यह सुपर न्यूमेरिक जो हम लोग लगातार अभी कल हमको रिटर्न में उनको दे के आए हैं, अगर आज प्रपोजल के साथ आई होती तो आज 6800 प्रोसीड करने का आदेश यहाँ से हो गया होता, लेकिन वो नहीं हुआ। अब हफ्ते भर का टाइम है, इस हफ्ते में आप तय कर लीजिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप फेसबुक और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में युद्ध जीतना चाहते हैं, कुछ चमन डॉट डॉट के चक्कर में आप आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, या सभी लोग मिलकर, जैसे एक दो लोग भाई हैं जैसे अमित हैं और एक जो प्रज्वल गुप्ता, क्या नाम है, जो लगातार ट्विटर के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, क्या आप लोग उस रास्ते बढ़ना चाहते हैं? तमाम ऐसे भाई हैं जो लोगों को जोड़ कर रखने की बात कर रहे हैं, उनकी बात मानते हैं या इसी धारा में बहते रहना चाहते हैं? 19 तारीख एक मौका है, अगर उस मौके का फायदा हम लोग उठा लेंगे सरकार के ऊपर प्रेशर बना के कि बीच के रास्ते निकाल के 68 की भर्ती कर दी गई तो ठीक है, अदरवाइज एक बार ये मुकदमा खुलेगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पहले सामना करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद, और आई थिंक आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त होते रहना चाहिए, इससे पता भी चलता है हाथ कब कपाए, मुंह बल लबलबाए, और कै नंबर का जूता था, हमने तो बेसिकली, आप लोग हमारे पूरी पोस्ट निकाल लीजिएगा, कहीं आपको अगर जूता मैं पहनते हुए दिखाऊं बताऊं कि कुछ लोग कह रहे थे जूता मारे, हालांकि आज नमस्ते किए तो हमने कहा कै नंबर का जूता था, बहुत बहुत ओछी ये लोग गंदगी कर रहे हैं, उस पर हम लोग बातचीत नहीं करना चाहते, और जूता भी हम रखे हैं, वुडलैंड का रखे हैं, फर्स्ट क्लास रखे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो चलाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।